समर्थ श्रीवास्तव, आपने जयंत चौधरी से बात की है, जल्दी से जरा सुना देते हैं आज शोक की इस घड़ी में वो क्या कह रहे हैं। कुछ भी आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें। नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी ने एक बार मुझे, क्योंकि वो आए थे घर पे थे और मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो आए, चौधरी साहब ने कभी मुझे कहा नहीं कि इनके आशीर्वाद लो, पैर छू, क्योंकि हमारे परिवार में वो प्रथा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनको देख के तुरंत मुझे कहा कि आशीर्वाद लो, तो ऐसी भावनाएं थी आपस में। अखिलेश से मिले, आपने क्या कहा? कह क्या सकते हैं, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहे। देखिए, थे हमारे साथ जयंत चौधरी, इनका साफ कहना है, अखिलेश यादव से भी मिले हैं। तो हमने रामगोपाल जी की बात भी सुनाई, रामकृपाल जी चलेंगे, जितेन आपके पास भी पहुंच रही हूं मैं, लेकिन उससे पहले किस तरह से ये जो पूरी विरासत उनकी रही, पॉलिटिक्स भी थी लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइंस की चर्चा कल से हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, बीजेपी के जो धुर विरोधी थे, जिनको हराने के लिए कांशीराम से लेकर मायावती से समझौता किया, वो भी आज अच्छे शब्द बोलते नहीं थक रहे। बिल्कुल, ये जो उनकी बात थी कि पॉलिटिकली वो ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, और देखिए वो जमीन से पिछड़ों की राजनीति करते हुए जितना बड़ा कद उन्होंने अपना बनाया, उनके बारे में कहा जाता था, मैं वहाँ एक अखबार से जुड़ा हुआ था, उसका संपादक था, तो ये वहाँ कहावत थी कि मुलायम सिंह से ज़्यादा काम बाकी पार्टीज़ के लोग करा लेते हैं बनस्पत अपने कार्यकर्ताओं के, ये उनकी विशेषता थी। सब जगह है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो, किसी बीजेपी का हो, किसी का भी हो, वो इस तरह के पुरुष कि कभी भी वो राजनीतिक चुनाव के बाद उनका जो होता था वो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और मैंने खुद देखा है इसको। तो निश्चित तौर पर जो रामगोपाल जी कह रहे थे, खैर तो वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, और अगर आज मैं कहूँ कि जिस दौर में वो उठे, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता जो 67 में जिन्होंने संबित सरकारों का एक दौर शुरू हुआ, और एक पीजेंट्री मूवमेंट जो साउथ में कभी भी चल चुका था, जो नॉर्थ में बहुत देर बाद उठा, तो आप समझिए कि 67 के बाद से मुलायम सिंह जो चौधरी चरण सिंह थे, अभी आपने दिखाया, तो वास्तव में एक उत्तराधिकार तो धीरे 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 अजीत सिंह के पास आना चाहिए था, और एक दौर ऐसा आया कि जब अजीत सिंह और मुलायम सिंह में ये हुआ कि कौन यहाँ, लेकिन मुलायम सिंह चूंकि संघर्ष के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए, वो अपने आप जनता ने उनको चौधरी चरण सिंह का असला उत्तराधिकारी मान लिया, और ये जो किसानों का आंदोलन रहा या जो भी चीजें रही वो चलती रही। और दूसरी बात एक कहूँगा जो सबसे उल्लेखनीय है कि जिस उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद, या क्योंकि रामगोपाल जी ने भी दोनों जो संवेदनशील कहिए, जो भी कहिए, कंट्रोवर्शियल इशू, दोनों का उन्होंने जिक्र किया, न्यूक्लियर डील, राम। मैं एक बात उसमें, रामगोपाल जी आप ये सोचिए कि 1990 में ऐसा गुल एक कांड होता है जिसमें मुलायम सिंह बिल्कुल विलेन की तरह होते हैं, और कल्पना कीजिए कि उस दौर में क्या हालत रही होगी, और उसके बाद बीजेपी आती है। लेकिन आप ये सोचिए कि 93 आते आते मुलायम सिंह राजनीति का ऐसा पासा फेंका कि करीब 2 दशक तक बीजेपी आईसीयू में चली गई। पूरे देश में ये कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कंप्लीट 20 साल, यानी कभी एसपी बीएसपी पहले एक हुए, फिर उसके बाद अल्टरनेट चलता रहा, कभी समाजवादी पार्टी कभी बीएसपी, लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए उसके बाद बीजेपी वहां पर आई, जबकि शुरुआत वहां पे जिसको आप कहते हैं हिंदुवादी आंदोलन या आडवाणी जी की रथ यात्रा, सब कुछ जो 90s और 92 में जब विध्वंस हुआ, जैसे सारी चीजें, डिस्पाइट दैट मुलायम सिंह ने वहां पिछड़ों की एक ऐसी राजनीति, पिछड़ों और दलितों की एक ऐसी कर दिया, और जिसके वो तो कांशीराम इनसे बाद में वो हो गया, लेकिन आप देखिए कि दलित और पिछड़े करीब 2 दशक तक वही उनकी राजनीति रही, और करीब करीब 2015 में फिर जाकर के बीजेपी आई है, क्योंकि तब तक मुलायम जी का जो था उतना, मतलब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे और बेटा को उत्तराधिकारी बना चुके थे, उसकी पिछली बारी बना चुके थे, और बीजेपी ही नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस को भी आईसीयू में उत्तर प्रदेश में एक तरह से डालने वाले यही व्यक्ति थे। एक बार जरा सुना देते हैं जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बाद जितेन फौरन आपके पास आ रहे हैं, फिर से भी बातचीत रहेगी जारी। आइए आपको सुनाते हैं, हर कोई आज शोक प्रकट कर रहा है।
पीछा मारे नहीं मुलायम, बहुजन का सहारा नहीं रहा। दहाड़ जिनकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम उनको नेताजी कहते थे, सब उनका आदर करते थे। हम आज खड़े हैं बीच भंवर में, हम आज खड़े हैं बीच भंवर में। अब केवन हारा नहीं रहा, दहाड़ जिसकी सुना करे थे, अब शेर हमारा नहीं रहा।